क्रिया शरीर का बाद दोष चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका सबसे पहला श्लोक और सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मलधातवः वायुनाम यत्र नियंते तत्र वसंती मेघवत। इस श्लोक का मतलब है, पंगु मतलब पैरालाइज या जो इनकेपेबल या हैंडीकैप्ड है, ठीक है। तो पित्त भी पंगु है, मतलब पित्त भी हैंडीकैप है, कफ भी हैंडीकैप है, बिना किसके, वात के बिना, मतलब वात चाहिए ही चाहिए पित्त और कफ को काम करने के लिए। और वायुनाम यत्र नियंत्रित तत्र वर्षंती मेघवत, मतलब जहाँ हवा जाएगी वहाँ मेघ जाएंगे, मतलब क्लाउड्स जाएंगे और वहाँ बारिश होंगी, ठीक है। फिर फर्स्ट पॉइंट, वात की निरुक्ति, तत्र वा गति गंधनी और रीति धातु। वा मतलब मूवमेंट होता है, तो वात का मेन काम अगर हम हर जगह देखेंगे तो मूवमेंट ही होता है। चल गुण वात का जो फंक्शन होता है, उसका एक गुण है मूवमेंट को प्रेरणा देना, वो उसकी निरुक्ति में है। सिनोनिम्स, मारुत, चल, अनिल, समीर और पवन। कंपोजिशन, वात आकाश और वायु महाभूत से बनता है, सबसे लाइटेस्ट महाभूत, इसीलिए वात भी लाइट है, इसीलिए वो लघु है, इसीलिए उसमें चल गुण है। स्ट्रक्चर ऑफ वात, अव्यक्त व्यक्त कर्म च, ठीक है। वात इसका मतलब क्या है, अव्यक्त है, मतलब वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम, वो इनविजिबल है, बट वो प्रेजेंट है, उसको महसूस किया जा सकता है। जैसे ही हम हवा के बारे में बोलते हैं, एयर के बारे में बोलते हैं, उसको हम फील नहीं कर सकते, बट वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर वात दोष की प्रॉपर्टीज़, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रैक्टिस से शुरू, फर्स्ट ईयर से लेकर प्रैक्टिस तक के काम आने वाला श्लोक है ये। इसका, तत्र रुक्ष लघु खर शीत सूक्ष्म चलो अनिल, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तत्र रुक्षो, रुक्ष का मतलब होता है ड्राई, मतलब बॉडी में कहीं भी ड्राइनेस का जो काम है वो कौन कर रहा है, वात दोष के कारण हो रहा है, या फिर वात दोष की प्रॉपर्टी ही ड्राइनेस होती है। मतलब अगर हमको इसको प्रैक्टिस में यूज़ करना है, प्रिंसिपल्स में यूज़ करना है, तो जहाँ पे कफ बढ़ गया होगा, आगे हम कफ दोष पढ़ेंगे, तो जहाँ पे बेसिकली अगर बोलना हो, जहाँ मॉइस्चर बढ़ गया हो, वहाँ पे हम ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, ड्राइनेस देंगे ऑब्वियसली, ताकि मॉइस्चर को काउंटर एक्ट हो, तो वहाँ पे वात का रुक्ष गुण काम आता है। रुक्ष मतलब ड्राइनेस, मतलब बॉडी में जहाँ भी ड्राइनेस दिख रही है, जहाँ पे भी ड्राई फील होता है, फ्लेकी फील होता है, वहाँ हमारा वात बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। फिर लघु, इसीलिए हम, आप लोगों ने अष्टांग रिदम में अगर पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, वात को ओल्ड एज का दोष बताया है। दोष को अगर क्लासिफाई किया एज वाइज, तो सबसे पहले यंग एज में, बच्चों वाली एज में कफ दोष प्रिडोमिनेंट होता है, मिडल एज में पित्त दोष प्रिडोमिनेंट होता है, और ओल्ड एज में कफ वात दोष प्रिडोमिनेंट होता है। तो हम देखते हैं ना, ओल्ड पीपल का क्या होता है, स्किन ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, वो क्यों होता है, वात बढ़ गया उनका, इसीलिए होता है, ठीक है। फिर लघु, लघु का मतलब होता है लाइट, लाइट इन द सेंस जो भी चीज़ हमारी बॉडी को लाइट कर रही है, या हमारी बॉडी में लाइटनेस फील हो रही है, जैसे एक्सरसाइज के बाद लाइटनेस फील होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि हमारा वात का लघु गुण बढ़ गया होता है। शीत मतलब कोल्ड होता है, मतलब ठंडी, या ये जो ठंडा फील कराना है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, वात की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और हॉट फील कराना किसकी होती है, पित्त की होती है। खर मतलब रफनेस, मतलब बॉडी में जहाँ भी रफनेस, स्क्रेपिंग या फ्लीकिंग हो रहा है, वो वात के रिलेशन में होता है, ठीक है। फिर सूक्ष्म मतलब सटल है वो, मतलब सूक्ष्म मतलब सटल है वो, मतलब बहुत डीपली पेनिट्रेटिंग होता है वो, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल तक के जाता है। एंड चल मतलब वात का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुण, चल मतलब मोबिलिटी, मतलब किसी चीज़ को मूवमेंट देना, प्रेरणा देना मूव करने के लिए, वो किसका काम है, वात का काम है, ठीक है। तो ये वात का गुण का श्लोक हो गया, तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल, ठीक है। फिर उसके बाद में वात की योगवाही होने का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वात को योगवाही बोला है। योगवाही का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट, अगर हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज में देखें, मतलब किसी चीज़ को प्रेरणा देता है वो करने की, विदाउट उसको इंटरफेयर करे, वो उसको मूवमेंट की प्रेरणा देता है, वो उसको योगवाही कैरेक्टरिस्टिक बोला है वात की।